Don't ever let somebody tell you you can't do something. You want something, go get it. Period. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. मूवीज़ और शोज़ तो हर साल बहुत रिलीज़ होते हैं और हम उन मूवीज़ और शोज़ को बड़े आराम से और अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन शोज़ और मूवीज़ को देखने का तभी फ़ायदा है अगर हम उनसे कुछ सीखे भी, अगर वो शोज़ हमें कुछ अच्छा डिलीवर भी करके दें। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टॉप 10 लाइफ लेसन मूवीज़ के बारे में जिनको देखने के बाद आप उन मूवी से बाहर नहीं आ पाओगे और उन मूवीज़ की जो थिंग्स हैं, जो मूवीज़ आपको एक ऐसा लाइफ लेसन दे के जाएंगी उनसे भी आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि चीज़ देखने का तभी फ़ायदा है, मूवीज़ देखने का तभी फ़ायदा है अगर हमको वो कुछ अच्छा डिलीवर करके दे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो मूवीज़ की लिस्ट बहुत ही बिंदास होने वाली है। शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी मूवी के साथ, इंटरस्टेलर। इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था, जो साइंस फिक्शन एडवेंचर से मूवी है और इस थिंग्स को हम रखते हैं साइड में। अगर हम दूसरी और मूवी के सिर्फ मेन मुद्दे की बात करें तो मेन मुद्दा ये है मूवी का कि आपको यहाँ पर एक साइंटिस्ट देखने के लिए मिलेगा कोपर नाम का और उसकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। किस तरह से वो एक नए वर्ल्ड की खोज करने के लिए एक नई जगह पर जाता है अपनी फैमिली से प्रॉमिस करके कि वो वापस जरूर आएगा। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी डॉटर उसका इंतजार करते करते इतनी ओल्ड हो जाती है, फिर जाके वो वापस आता है। सिंपली इस मूवी का मकसद ये है, इस मूवी का लाइफ लेसन निकल के ये आता है कि जो भी किसी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को आपको जरूर पूरा करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके वो अपने हैं। तो इस तरह से हमें इंटरस्टेलर मूवी में ये देखने के लिए मिलता है जो कि एक फर्स्ट क्लास मूवी है। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो आपको ये मूवी जाके जरूर देखनी चाहिए। मूवी आने वाली है उस मूवी का नाम है गोन गर्ल। गोन गर्ल मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और ये मूवी थ्रिलर मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें वो भी आपको 8.1 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें, स्टोरी में आपको एक निक नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि एक वेल्थी रिच है। और दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जब उसकी एनिवर्सरी के दिन उसकी वाइफ डिसअपेयर हो जाती है और किस तरह से सारे के सारे जो कि इन्वेस्टिगेटर हैं और मीडिया उस पर ही इल्ज़ाम लगाना फोकस करना शुरू कर देते हैं, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। स्टोरी आपको सुनने में नॉर्मल सी लग रही है लेकिन जब जाते वक्त ये लाइफ लेसन देखे जाएगी तब आपको ये मूवी बहुत बढ़िया लगेगी। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो। गोन गर्ल को बहुत ही अच्छी मूवी है और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। Why they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I'd finally realized I am frightened of my own husband. I would join you as if you're doing a deposition. What to say, what not to say. A trained monkey who doesn't. लिस्ट में मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है जॉन विक। जॉन विक मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2014 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था और ये टोटल ट्रायोलॉजी होने वाली है मूवीज की और इसका फोर्थ पार्ट शायद आपको 2022 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा, आई होप सो। अगर दूसरी और अगर मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक जॉन विक नाम का फॉर्मर हिटमैन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ की डेथ से पहले उसे एक उसका फाइनल गिफ्ट मिलता है, एक पेट डॉग जो कि एक थग्स के द्वारा मार दिया जाता है। और इस तरह से हमें जॉन विक की ट्रायोलॉजी की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। मूवी एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट से बनी हुई मूवी है और एक बहुत ही ग्रेट लाइफ लेसन देके जाएगी। अब वो लाइफ लेसन क्या है अगर मैं वो आपको बता दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आपको जो मूवी खुद देखनी चाहिए अगर किसी ने नहीं देखी तो। मैं लिस्ट में मूवी आने वाली है वो मेरी खुद की फेवरेट मूवी है और मूवी का नाम है लाला लैंड। अगर हम इस मूवी की बात करते तो इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था, ये म्यूजिकल रोमांस मूवी है। और दूसरी और मूवी के मेन लीड में आपको एमा स्टोन और रायन गोसलिंग देखने के लिए मिलेंगे और जहां पर इसी मूवी के लिए एमा स्टोन को एकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी मिला था लीडिंग रोल के लिए। अगर हम दूसरी और मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहां पर आपको सबस्टेन और मिया नाम के दो कपल देखने के लिए एक कपल देखने के लिए मिलेगा जो कि अपने एक सेम डिज़ायर के कारण एक दूसरे के पास आते हैं। जब वो सक्सेस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जो आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या थिंग्स होती हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, बिंज वॉच मूवी है। तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो और स्पेशली बहुत ही ग्रेट लेसन देके जाएगी, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो। Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. इसमें मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है कास्टवे।
कास्टवे मूवी की बात करते हैं, इस मूवी को 2000 में रिलीज किया गया था। ये एडवेंचर ड्रामा से भरी हुई मूवी है और आप इस मूवी को या कि नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हिंदी में अवेलेबल ये मूवी है। दूसरी ओर अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको चक नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि एक प्लेन में जा रहा होता है। अचानक उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और एक आइलैंड पर वो जाके फंस जाता है और वो अकेला ही उस आइसलैंड पर फंसता है। कितने साल वहाँ तक वो सर्वाइव करता है ये आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। मूवी की इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि मूवी देखते वक्त आप कहीं पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाओगे, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो। कास्ट अवे को बहुत ही ग्रेट लाइफ लेसन मूवी है ये। तो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में मूवी आने वाली है वो मेरी खुद की फेवरेट मूवी है और इस मूवी को देखने के बाद सीरियसली ऐसा लगता है कि कुछ आपने अच्छी मूवी देखी है और उस मूवी को देखने के बाद सीरियसली मूवी में काफ़ी लंबे समय तक बने रहोगे। और मूवी का नाम है जैस्मिन। मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था। कॉमेडी रोमांस मूवी है और मूवी के मेन लीड में आपको जिम कैरी देखने के लिए मिलेंगे। अब उसकी एक्टिंग पर तो आपको किसी को भी शक करना नहीं चाहिए। अगर दूसरी ओर अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें, मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक काल नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि लोनली है, जिसकी मतलब अपने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए एक यहाँ पर क्लास को अटेंड करता है और वहाँ पर किस तरह से उसकी नई लाइफ की शुरुआत होती है जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। एक ग्रेट लाइफ लेसन मूवी है और इतनी अच्छी मूवी है कि मूवी को देखने के बाद मूवी से आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो मेरी अकॉर्डिंग तो जो बिंज वॉच मूवी है, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हो। यस मैन को Sauce. You guys are really into this yes thing. Hey, bro. Somewhere along the way, everyone forgets it. Excuse me, could I? Absolutely. Was I chewing gum? इसमें मूवी आने वाली है, वो ऑस्कर विनिंग मूवी है। और मूवी का नाम है परसाइट। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक किम नाम की फैमिली देखने के लिए मिलेगी जो कि पॉवर्टी में जी रही है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब अचानक एक लाइफ टर्न आता है और उसके मतलब यंगर सन को एक किसी अमीर बच्चे की फैमिली को पढ़ाने का मौका मिलता है और वन बाय वन किस तरह से उसकी सारी फैमिली ही वहाँ पर जाके शिफ्ट हो जाती है और किस तरह से क्राइम में थिंग्स बदलती हैं, जी आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ इतना अच्छा आपको जो लाइफ लेसन मूवी दे के जाएगी कि आप इस मूवी से बाहर नहीं आ पाओगे। तो बिंज वॉच जो भी मूवी है, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो परसाइट को। इसमें मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था और यह ड्रामा फैमिली मूवी है जो आप नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हो और हिंदी में अवेलेबल ये मूवी है। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको क्रिस गार्डियन नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि अपनी लाइफ में इतने फेलियर्स फेस कर चुका है कि उसके बाद कोई भी बंदा एक तरह से अपना दम तोड़ सकता है। दूसरी ओर उसकी बीवी ने वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसकी मतलब पॉवर्टी के कारण कि वो उसे छोड़कर जाने वाली है और दूसरी ओर उसके सन की देखभाल वो खुद करता है क्रिस गार्डियन और जहाँ पर उसके पास जॉब भी नहीं है और किस तरह से वो अपने सन को लेके कितने दिन वो सर्वाइव करता है मंथ तक जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा और किस तरह से वो सक्सेस को अचीव करता है जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। इतना अच्छा शो है, जो शो आपको हंसाएगा और लाएगा। इतनी अच्छी अच्छी आपको इसमें लाइंस देखने के लिए मिलेंगी कि इस शो को देखने के बाद भी आप पता नहीं इस शो को कितनी बार याद करोगे। तो मेरी ओर से ये बिंज वॉच शो है, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हो द परसूट ऑफ हैप्पीनेस को। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में मूवी आने वाली है, उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। और सीरियसली इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी से बाहर नहीं आ पाओगे। मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी सारी पीछे मूवीज आई हैं वो सारी की सारी मूवीज ऐसी हैं कि जो मूवीज़ को देखने के बाद आप उन मूवी से बाहर नहीं आ पाओगे। और दूसरी ओर अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में आपको टॉम हैंक्स देखने के लिए मिलेंगे और रॉबर्ट राइट देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने ग्रेट एक्टिंग से इस शो को मस्ट वॉच बनाया है। और दूसरी ओर अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक फॉरेस्ट नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जिसके मतलब IQ बहुत लो है और दूसरी ओर वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे आ चुका है लेकिन फिर भी वो एक तरह से सिंपल का सिंपल ही है। और जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल होती है और जहाँ पर वो अपने आप को हिस्टोरिकल इवेंट्स में पाता है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रही होती है। वो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ को चाहना चाहता है कि किस तरह से वो जिससे वो बचपन से प्यार करता आ रहा है जेनी नाम की लड़की से उसके साथ वो कनेक्ट हो सके और उससे आगे मूवी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। इतनी अच्छी मूवी है कि मूवी को देखने के बाद सीरियसली आप इस मूवी से बाहर नहीं आ पाओगे। और इसमें मूवी आने वाली है वो मेरी खुद की फेवरेट मूवी है, मतलब जितनी बार भी इस मूवी को भूलना चाहो आप इस मूवी को अगर देख लोगे तो इस मूवी को कभी भूल ही नहीं पाओगे। और मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। अब कोई ही पर्सन होगा लिमिटेड से जिन्होंने अभी तक इस मूवी
मूवी को नहीं देखा, इस मूवी को 1994 में रिलीज किया गया था, ड्रामा क्राइम मूवी है और दूसरी और मूवी के मेन लीड में आपको मॉर्गन और टिम रॉबिसन देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक एंडी डुफ्रेंस नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत अच्छा बैंक में जॉब कर रहा है और दूसरी और उसको फेक मर्डर के लिए एक अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि उसके द्वारा किया भी नहीं गया होता, सिर्फ उसे फ्रेम किया गया होता है और जहाँ पर वो प्रिजन के अंदर आता है और किस तरह से प्रिजन में कुछ साल एक मुश्किल से गुजारने के बाद वहाँ पर किस तरह से वो फेमस हो जाता है, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब वो वहाँ से एस्केप करके जाता है, अब वो कैसे एस्केप करता है ये आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। अब मैंने एक तरह से ये पूरी मूवी बता दी है लेकिन मूवी फिर भी आप देखोगे तो इस मूवी को देख के कई जगह पर आप रो भी पड़ोगे। और दूसरी ओर इस मूवी का लाइफ लेसन ये है कि कभी भी अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग से बिंज वॉच जो मूवी है हिंदी में अवेलेबल है तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो, द शॉशैंक रिडेम्पशन को। तो ये थी मेरी ओर से आप सबके लिए कुछ ऐसी टॉप 10 लाइफ लेसन मूवी जिनको देखने के बाद आप सीरियसली इन मूवीज में ये कहोगे कि आपने क्या ग्रेट कंसेप्ट और ग्रेट लाइफ लेसन वाली मूवीज देखी हैं जिनको। और दूसरी और इन सारी मूवीज़ के लिंक ऑलमोस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ मतलब ऑलमोस्ट 90% मूवीज़ आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आप ग्रेट मूवीज़ के फैन हो जिनमें आपको ग्रेट स्टोरी कंसेप्ट सब कुछ देखने के लिए मिले तो ये मूवीज़ आप ही के लिए बिंज वॉच मूवी है। मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि मूवीज़ बहुत सारी रिलीज होती हैं लेकिन उनमें से कुछ ही मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एक ग्रेट कंसेप्ट के साथ स्टोरी लाइन के साथ एक लाइफ लेसन प्रोवाइड करती हैं, ये मूवीज़ वैसी ही हैं। बाकी देखना ना देखना आपके ऊपर है। आई होप कि आपको हमारी जो लिस्ट अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।